फ्रांस का एक्सपेंशन ना हो तो उसके लिए क्या उसके आसपास क्षेत्र न्यू स्टेट्स बना दिए जाते हैं। और होता है प्रशिया होता है उसके बेस्ट में जो उसका टेरिटरी था वो टेरिटरी उसको दे दिया जाता है और कुछ सैक्सोनी का पार्ट उसको मिल जाता है। रशिया पोलैंड के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और जो ऑस्ट्रिया होता है उसको नॉर्थ इटली का कमांड मिल जाता है। तो ये चेंज आता है। उसको लीड कौन कर रहा था? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक तो ये चेंज आया था। ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था 1815 में। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में, इसलिए उसको ट्रीटी ऑफ वियना करते। उसको लीड किया था ड्यूक मेटरनिक, ऑस्ट्रियन चांसलर। तो और इसी के बाद कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप होना शुरू हो जाता है। इसमें ये लोग चाहता था कि कोई मतलब ये लोग सहन नहीं करता था कि कोई मेरे के खिलाफ बोले, इसलिए सेंसरशिप भी लगा दिया था। तब जो भी रेवोल्यूशनरीज लोग थे उनको डर हो गया कि कहीं हमें भी दबाया ना जाए, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि सेक्रेटली अंडरग्राउंड हो जाते हैं और सोसाइटीज बनाना शुरू कर देते हैं। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है, एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, जुसेपी मैजिनी। इसका जन्म 1807 में हुआ था जिनेवा में। ये कार्बोनारी में एक सेक्रेट सोसाइटी है उसी का मेम्बर था। इसको 24 इयर्स का जब ये था, जब ये 24 साल का था यानी 1831 में, तो इसको मतलब देश से निष्कासित कर दिया जाता। किस लिए? तो वो लिंगुरिया में एक रिवोल्यूशन का अटेम्प्ट कर रहा होता है, इसके लिए उसको जुसेपी मैजिनी को एग्जाइल कर दिया जाता है। तो वो मार्सिलिस में जाता है, वहाँ पे यंग इटली बनाता है, फिर बर्न में यंग यूरोप बनाता है 1833 में। तो और ये निरंतर प्रयास करता रहता है कि हम ऑटोक्रेसी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। और यही कारण है कि ड्यूक मेटरनिक इस पर एक रिमार्क देता है इसको कि ये हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा दुश्मन है, ड्यूक मेटरनिक को बोलता है। तो इसके बाद कॉन्स्टेंटली 1830 में रिवॉल्यूशन होता है और कुछ मेजर चेंजेस आता है यूरोप में, जैसे कि जो क्या होता है कि फ्रांस में जुलाई में 1930 में जुलाई रिवॉल्यूशन होता है। और उसमें क्या किया जाता है कि जो सेटअप किया था फिर से ट्रीटी ऑफ वियना में बोर्बन डायनेस्टी को फिर से हटा देता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ला दिया जाता है। और लुइस फिलिप को उसको पावर में दे दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसी को देखा देखी बेल्जियम यूनाइटेड ऑफ नीदरलैंड से आज़ाद हो जाता है, क्योंकि उसकी जो भनक है दूसरे कंट्री में लग जाती है और वहाँ के भी लोग नेशनलिज्म का मांग करना शुरू कर देते हैं, लिबरलिज्म का मांग करना शुरू कर देते हैं। ग्रीस क्या होता है 1821 से ही अपने आज़ादी का के लिए प्रयास करते रहता है। उसमें बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट करते हैं, जो देशद्रोह के लिए उसको निष्कासित कर दिया गया था वो लोग ग्रीक के जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोग थे उनको सपोर्ट करता है। उनमें से एक थे लॉर्ड ब्रायन नाम के एक पोएट थे जो फंड जमा किए थे युद्ध के लिए। क्या होता है 1824 में बुखार के कारण उनका डेथ हो जाता है। तो ये भी पार्टिसिपेट किए थे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो जब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल होता है 1832 में, तो फिर ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया जाता है। तो ये 1830 में जो भी जुलाई रेवोल्यूशन होता है तो उसमें ये चेंजेज आता है। उसके बाद क्या होता है कि पूरे यूरोप में पॉपुलेशन उसमें काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है और जो भी यूरोप का पॉपुलेशन होता है जो गांव में रह रहे होते हैं वो शहर की तरफ रुख करता है। और यही कारण है कि शहर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाता है, लोग को स्लम्स में रहना पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसा स्थिति आ जाता है। और तो 1848 तक आते आते हालत बहुत बदतर हो जाता है और जो लुइस फिलिप को फिर क्या होता है कि भागना पड़ता छोड़ के गद्दी, भागना पड़ता उसको। ऐसा मतलब कंडीशन बन जाता है वहाँ के लोगों की, इस तरह से प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि उसको छोड़कर भागना पड़ता है और हर जगह प्रोटेस्ट करता है। सिलेसिया में 1845 में बीवर्स लोग प्रोटेस्ट करता है कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, क्योंकि वो लोग का जो पैसा जो देता था उसमें रिड्यूस कर देता है। तो इसके लिए होता है। इसके बाद कौन सा टॉपिक था? क्या रोमांटिसिज्म? तो इतना खून खराब है, इससे पहले होता है रिवोल्यूशन होता है,
तो जो भी रिवोल्यूशनरीज लोग होते हैं उनको ये एक बात पता चल जाता है कि खून खराबे से ज़्यादा लोग नेशनलिज्म के पक्ष में नहीं आ रहे हैं, प्रमोट करने के पक्ष में। तो कुछ नए तरीके ढूंढे जाते हैं और वो तरीका होता है रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म में क्या होता है कि लोगों को एक कल्चरल सेंटिमेंट जगाया जाता है, उनको कल्चर के प्रति और हेरिटेज हिस्ट्री इस सब के प्रति उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनके पास्ट को बताया जाता है कि आपका पास्ट ऐसा था वैसा था इस तरह से करके। और एक जॉनन गुडफ्राइड हर्डर जर्मन के फिलोसोफर थे, वो उनका कहना था कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वह वहाँ के लोगों में ही होता है, वो वहाँ के लोगों में ही पाया जा सकता है। और इसके लिए क्या है करना है, तो फोल्कलोर के माध्यम से, सॉन्ग वगैरह के माध्यम से लोगों में ये रोमांटिसिज्म का जो भाव भरना है और उनको नेशनलिज्म की ओर प्रमोट करना है। आपको पता था कि ये रशिया पोलैंड के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, तो रशिया चाहता है अपना पूरा कल्चर थोप दें पोलैंड पे, तो वो लैंग्वेज भी थोपना चाहता है। वो पोलिश जो पोलैंड में बोला जाता था पोलिश लैंग्वेज उसको एलिमिनेट कर देता है हर जगह से। जो पोलैंड में जो भी बिशप्स लोग होते हैं और भी जो लोग पोलैंड के लोग होते हैं उनमें गुस्सा का भाव आ जाता है क्योंकि उनका अपना लैंग्वेज था और रशियन एकाएक सीखना उनके लिए कठिनाई था। तो रशिया क्या करता है, इसको दबाने के लिए उन लोगों को साइबेरिया भेज देता है। साइबेरिया दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है और वहाँ पर लोगों को भेज देता। तो कोई इसका डर के कारण नहीं वापस आता था कि प्रोटेस्ट करें या फिर मांग करें कि हमारा अपना ही लैंग्वेज रहें। पोलैंड में जो रोमांटिसिज्म लाने का श्रेय दिया जाता है वो कैरोल क्रूपिंस्की को दिया जाता है, वही प्रमोट करते हैं फोल्कलोर वगैरह के माध्यम से वहाँ पे रोमांटिसिज्म को। और कोई टॉपिक है इसके बाद? यूनिफिकेशन ऑफ इटली। हाँ, तो उससे पहले क्या होता है कि वोट करता वो वाला, उससे पहले जो भी अरिस्टोक्रेसी क्लास होता है उन लोगों को एक चीज़ पता चल जाता है कि कुछ चेंजेज लाने पड़ेंगे सोसाइटी में। जो जैसे फ्रांस में जो चेंजेज आ गया था, जैसे कि जो पीजेंट्स को आज़ाद कर दिया गया था कुछ टैक्सों से और जो क्लर्जिकल प्रिविलेज मिलता था उन लोगों को, उन प्रिविलेज को हटा दिया गया था। तो वो क्या करता है कि ऑटोक्रेटिक वर्ग ये सोचता है कि ये चेंजेज लाने जरूरी हैं तभी हम कुछ दिन और टिक पाएंगे। तो इसके लिए क्या करता है, वो हंगरी को कुछ और अपना स्पेशल राइट देता है कि वो और इन्जॉय कर सकता अपने राइट्स को। जिस समय पुअर लोग रिवोल्ट कर रहा था, जैसे सिलेसिया में किया, बीवर्स लोग किया, फिर जो पुअर्स लोग जब ये इकोनॉमिक हार्डशिप था जब गांव से शहर की ओर गया तो वो लोग अपना जो मूवमेंट किया, तो उसके साथ साथ ये लिबरल्स लोग भी अपना मूवमेंट चला रहे थे। और ये मूवमेंट ये लोग क्या करते हैं कि सब लोग मिलकर जर्मन में ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को वोट करते हैं और इसको सेलेक्ट इलेक्ट करते हैं। ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को इलेक्ट करते हैं और ये ऑफर देते हैं इसको, इसकी को नाम बुला रहे हैं क्या होता है, वो एक किंग होता है उसको वो रिफ्यूज कर देता है, क्या उसका नाम होता है, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को ऑफर दिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए कि आप किंग बनिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग ड्राफ्ट करते हैं। तो वो रिफ्यूज कर देता है और जाके जो मोनार्की दूसरा होता है वो दूसरे मोनार्की को ज्वाइन कर लेता है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि हर ऑटोक्रेसी वर्ग नहीं चाह रहा था कि हम किसी के कॉन्स्टिट्यूशन लिखे पर काम करें। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में होता था कि राजा को ड्राफ्ट थमा दिया जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन का उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है, बस वो नाम का राजा होता था। तो वो रिफ्यूज कर देता है तो असेंबली तो बना रह जाता है और उसमें मिडिल क्लास लोग ज़्यादा होते हैं, तो वो जो लोअर क्लास लोग होते हैं उनके मांगों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। और यही कारण है कि फिर जो लोअर क्लास वाले लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं, अंततः ये डिस्बैंड हो जाता है ये असेंबली और फिर इसको आर्मी वाला आता है और इसको फिर ख़त्म कर देता है। फिर क्या होता है कि ऐसे ही रिपब्लिक एक बनता है, एसोसिएशन बनता है, वो सब लोगों को जो भी 21 साल या उससे ऊपर के लोग हैं सबको राइट टू वोट का अधिकार देता है, राइट टू वोट देता है। और फिर इसके बाद यूनिफिकेशन जर्मनी का, तो जर्मनी उस समय तक यूनिफाइड नहीं हो चुका था और ये कोशिश में लगा था कि हम एक यूनिफाइड स्टेट बन जाए। तो इसके लिए क्या करता है कि जब यहाँ के लोग रिवोल्यूशन शुरू करते हैं तो
प्रशिया के जंकर्स जो रिच लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, तो ये जब रिच लैंडलॉर्ड सपोर्ट करते हैं तो फिर प्रशिया का चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट वगैरह भी उसको सपोर्ट करने लगता है, उसको लीड करता है ऑटो वॉन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर होता है प्रशिया का, तो वो इसको लीड करता है और 7 साल में 3 युद्ध होता है, इसको जीतता है। उसके बाद फिर क्या होता है, फाइनली जर्मनी को एक यूनिफाइड स्टेट घोषित कर दिया जाता है और उसको राजा बना दिया जाता है, किसको, कैसर विलियम फर्स्ट को। तो अब कोई कंट्री हेल्प किया दूसरे कंट्री को यूनिफाइड होने में तो उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट तो पड़ेगा इस पर। तो क्या होता है कि जो प्रशिया का कल्चर वगैरह होता है उसको एक मॉडल की तरह जर्मनी में लिया जाता है और वो हावी होता है, हावी रहता है, मतलब वहाँ के लोगों को एक मॉडल माना जाता है, आइडियल माना जाता है, जर्मनी में मान लिया जाता है, कहे के लोग सपोर्ट किया था। फिर होता है इटली में, तो यही कहानी इटली में भी होता है। इटली क्या होता है कि यूनिफिकेशन से पहले छोटे छोटे हिस्सों में टूटा होता है, सात छोटे छोटे हिस्सों में, जो नॉर्थ इटली होता है उस पर कंट्रोल होता है ऑस्ट्रिया का, जो सेंट्रल इटली होता है उस पर पोप का कंट्रोल होता है, और जो साउथ वाला जो पार्ट है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज वगैरह उस पर बॉर्बन किंग जो स्पेन का था उसका कंट्रोल होता है। तो ये जुस्पे मेजिनी ट्राई करता है कि यूनिफाइड करने का, लेकिन वो फेल हो जाता, नहीं कर पाता है, और फिर ये जिम्मेदारी चल जाती है वहाँ के राजा विक्टर इमैनुअल टू को, सेकेंड को। तो वो क्या करता है कि वो चीफ मिनिस्टर जो कैबोर होता है उसको ये जिम्मेदारी देता है। कैबोर मतलब कि कोई रिवोल्यूशनरी आदमी नहीं था, ये कोई लिबरल जैसा उसमें भावना नहीं था, लिबरल सेंटीमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी वो लीड करता है। बीच में जुस्पे गैरिबाल्डी वहाँ के आर्मी को लीड करता है और पहले नॉर्दर्न इटली पे कमांड करता है, फिर सेंट्रल पे, और फिर जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है उस पर कंट्रोल कर लेता है, और फाइनली 1861 में इटली भी यूनिफाइड हो जाता है। तो और लेकिन ये ब्रिटेन में ये केस डिफरेंट हो जाता है। ब्रिटेन में इस तरह के प्रोसेस से नहीं होता है कि अचानक कोई भी चीज़ हुआ, मूवमेंट हुआ और उसके बाद यूनिफिकेशन का हो गया, इसमें धीरे धीरे एक प्रोसेस चलता है। क्या होता है कि ब्रिटेन एक पहले इंग्लैंड सिर्फ था, तो इंग्लैंड क्या होता है कि स्कॉटलैंड पे अपना अधिपत्य जमाना शुरू कर देता है और एक दोनों में समझौता होता है एक्ट ऑफ यूनियन 1707 उस पर साइन करता है दोनों कंट्री मिलके, और यही फॉर्मेशन करता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। और इसके बाद क्या होता है कि इंग्लैंड अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज उस पर इम्पोज करना ज़बरदस्ती शुरू कर देता है। इसके बाद क्या होता है, वहाँ के लोगों को उनका जो ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म है वो पहनने के लिए मना किया जाता है, उनका जो लैंग्वेज है वो बोलने के लिए मना कर दिया जाता है, फोर्स किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो इंग्लिश कल्चर है उसको अपनाइए। फिर क्या करता है कि ये आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, वहाँ जो क्रिश्चियन थे दो टाइप के थे, कैथोलिक थे और प्रोटेस्टेंट थे, तो ये क्या करता है कि प्रोटेस्टेंट को हेल्प करता है कि अब उसके कैथोलिक के खिलाफ आवाज़ उठाइए, उस रिवॉल्यूशन कीजिए। और यह कारण है कि दोनों में डिसइंटीग्रेशन होते रहता है हमेशा, और ये जब प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर देता है तो ये हावी हो जाता है, और फाइनली क्या करता है ये ज़बरदस्ती उस पर भी पावर इम्पोज कर देता है 1801 में। वहाँ के जो बोल्फटाउन है एक व्यक्ति प्रयास करता है 1798 में कि इंग्लैंड के खिलाफ जाए, लेकिन नाकाम हो जाता है और फाइनली यही यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है, ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है, और जो अभी तक चलता आ रहा है। अभी भी वहाँ के लोग ये मांग कर रहे हैं कि इसको स्कॉटलैंड वगैरह जो है उसको अलग कर दिया जाए। तो अब था कि ये सब तो प्रोसेस चल रहा था कि यूनिफिकेशन के लिए, नेशन स्टेट के लिए, नेशनलिज्म के लिए सब प्रोसेस चल रहा था, लेकिन अब एक कंट्री को किसी एक ऐसा चीज़ से रिप्रेजेंट करना जो सब लोगों का एक्सेप्टेबल हो, ये एक चुनौती था। तो उस समय के जो पोएट लोग थे, राइटर लोग थे, वो लोग क्या करते हैं, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना कंट्री को हम पर्सोनिफाइड करें। पर्सोनिफाइड मतलब कि कंट्री को हम किसी व्यक्ति के माध्यम से उसको दर्शाएं, जैसे भारत को भारत माता के से दर्शाया जाता है, तो उसी तरह से कि एलोगोरी, तो एलोगोरी क्या होता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो जनरली मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसको ऐसा अवधारणा से माना जाता है, इमेजिनेशन, कि हम किसी कंट्री को किसी पर्सन के नाम से दर्शाते हैं।
तो ये आइडिया आता है। तो वही क्या होता है कि जर्मनी को जर्मेनिया एलोगरी दिया जाता है, जर्मेनिया एक फीमेल एलोगरी दिया जाता है क्योंकि उसमें फीमेल का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में कम होता है, और भी कुछ इथिकल रीजन होते हैं उसका। तो क्या होता है कि जर्मेनिया को जर्मनी का और मरियने फ्रांस का कर दिया जाता है नेशनल एलोगरी। और कुछ सिम्बल्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि तीर को एक साथ बांध दिया जाता है जो यूनिटी का होता है, सनराइज जैसे कि न्यू ईरा आ रहा है, और जो चेन होता है उसको तोड़ा हुआ मतलब कि फ्रीडम का, तो ये सब आता है। वो लाइफ जो लीफ होता है उसको बोला जाता है कि पीस का है, फिर वो लाइफ ब्रांच होता है ब्रेवरी का, शॉर्ट वगैरह रेडी टू फाइट, इस तरह का कुछ सिंबल लाए जाते हैं जिससे लोग नेशनलिज्म की तरफ उनका रुख होता है, वो इस आइडिया को मानने लगते हैं। तो रोमांटिसिज्म हावी होता है तो इसका असर पड़ता है बलकांस इलाके पे। तो बलकांस इलाका क्या है, तो बलकांस यूरोप का वो इलाका जो अभी जिसको हम मैसेडोनिया अल्बानिया हो गया ग्रीस वगैरह, और जो भी क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्र छोटे छोटे कस्बा रोमानिया वगैरह, तो उन सब पे भी इसका असर पड़ता है। और वहाँ के लोग ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा पास्ट था, जब हम फ्रीडम थे, वो फिर से वापस लें। और सब लोग क्या करता है कि जो ऑटोमन होता है उसके ऑटोमन या ऑस्ट्री हंगरी के अंदर में ऑटोमन के अंदर में वो होता है, तो वो लोग क्या करता है अपने आप को अलग करता जाता है। लेकिन जब अलग करता है तो इन लोगों को खुद में लालच हो जाता है, वो चाहता है कि हम दूसरे पे कब्जा करके एक बिगर यूनिट बना लें। और इस इन इन सारे जो होते रहते हैं घटनाओं, इन सब पे नज़र होता है किसका, ऑस्ट्रिया ब्रिटेन वगैरह का, और वो सब मौका का तलाश करते रहता। और यही कारण है कि वो लोग भी कोशिश करता कि हम लोग छोटे छोटे देश पे कंट्रोल कर ले, जो मैसेडोनिया है, अल्बानिया है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, सब पे मेरा भी कंट्रोल हो। यही कारण है कि ये प्रॉब्लम बन जाता है, एक इशू बन जाता है जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की ओर लेकर जाता है। तो जो यूरोप में नेशनलिज्म आता है उसका एक इम्पोर्टेंट रीज़न था कि लोग यूनिफाइड स्टेट का मांग कर रहा था, लिबरलिज्म चाह रहा था, बस।